हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपने लावा के फ़ोन में जो नोटिफिकेशन साउंड होता है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, नोटिफिकेशन साउंड को चेंज करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइस, बिना किसी रुकावट के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जो मोबाइल की सेटिंग्स होती हैं उसका हमें ओपन करना है। तो गाइस, हमारी मोबाइल सेटिंग है जिसको हम पहले ओपन करते हैं। मोबाइल सेटिंग को ओपन करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको शो होता होगा साउंड ऑप्शन। तो गाइस हम साउंड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। साउंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन शो होगा। तो गाइस हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारे जो नोटिफिकेशन साउंड है सिंपली यहाँ पे हमको शो होने लग जाएंगे। तो गाइस यहाँ से अपने जो नोटिफिकेशन साउंड है सिंपली चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम वॉइस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद किस ओके पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे जो नोटिफिकेशन साउंड है सिंपली चेंज हो जाएगा। और अदरवाइज गाइस अगर आपको यहाँ पे फ़ोन रिंग टून या फिर अलार्म साउंड को चेंज करना है तो गाइस यहाँ से आप उसको इजीली चेंज कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे देखिए, चेंज करने के लिए हमको इस पर क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो गाइस हमारा जो फ़ोन रिंग टून है वो भी चेंज हो जाएगी। और गाइस अलार्म साउंड उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर गाइस इस पर हम क्लिक करेंगे नियॉन पर, ओके पे क्लिक कर देंगे, जो अलार्म साउंड का सिंपली चेंज हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से अपने अलार्म साउंड या फिर नोटिफिकेशन साउंड को चेंज कर सकते हैं अपने लावा के फ़ोन में। तो गाइस आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू।